गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जोन रियासी डिस्ट्रिक्ट रियासी। तो आज एक बहुत ही वंडरफुल डे होने वाला है और एक बहुत बहुत ही स्पेशल लोगों से मैं आपको मिलाने वाली हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, पहले तो आप ये स्कूल देख लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ, कितने प्यारे बच्चे। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आई हूँ सरली में, और यहाँ पे बहुत अच्छे झूले लगे हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन होने वाला है। और क्यों होने वाला है और क्या सब इसके पीछे कारण है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ये सब आपको बताती हूँ आगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स के साथ आज मिलाने वाली हूँ। दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द पुअर पीपल। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, किड्स हैं ये, ट्रैक सूट। नाइस। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कैन गिव, नॉट व्हाट यू कैन गेट। ओह, माय फेवरेट वर्ल्ड मैप। मुझे मैप स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है। वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप। और आप क्लासरूम देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल है। लग रहा है आपको ये गवर्नमेंट स्कूल है? आपका ना गवर्नमेंट स्कूल को लेके कंसेप्ट बदलने वाला है। आई कैन सी द फ्यूचर बिकॉज आई एम मेकिंग इट। आई विश ऐसे ही सभी स्कूल, हमारे पूरे इंडिया के स्कूल सभी इतने सुंदर हो, जहाँ पे पढ़ने का भी मजा आए और बच्चे भी खुशी खुशी स्कूल आए और पढ़ाई करें। तो ये दिल्ली का मिडिल स्कूल है, जहाँ पे इतनी सुंदर कलरफुल क्लासेस हैं, जहाँ पे कैसे हो आप सभी, पढ़ाई कैसी चल रही है, मजा आ रहा है? आपका स्कूल इतना सुंदर हो गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? यस मैम। फिर हमारा ब्रेकफास्ट का भी हर रोज का अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रोग्राम होता है, जो आप अगर फोटोज देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड द वे द किड्स ईट। दे ईट एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम कलाड़ी टू द सैंडविचेस टू द परांठा एंड दही मक्खन अलोंग विद दैट, पूरी भाजी, पाव भाजी, you know, anything that you name, fruit salad, anything that you name about, and they eat every day. So that is also an inspiring thing that ki unko push karti hai ki wo school pahunche. 50% hamari enrollment increase kari hai pichle saal, ye hum dekh lete hain from time. Namaste, kaise hain aap sabhi? Kaisa lag raha hai? Achha, bahut acha lag raha hai. Pehle kaisa tha ye school? Well done. तो आपके बच्चे खुशी खुशी यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए? बोल रहे हैं उधर हर दिन स्कूल जाना है, कोई गर्मी कभी टूट रहे हैं, झूले वगैरह लगे हैं। बहुत अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट लंच मिलता है उनको, और यूनिफॉर्म भी मिल रही है, बैग्स मिल रहे हैं, और क्लासेस बहुत अच्छी हैं, एक अच्छे प्राइवेट स्कूल्स की तरह यहाँ पे बहुत अच्छा है। आंटी जी, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा। अच्छा, अच्छा। मैंने प्राइवेट में डाले थे तो सुना ना, मैं हमारे घर पे गए, इन्होंने बोला इधर डालो, इधर डाले, हमारा तो अच्छा है सब कुछ, प्राइवेट से अच्छे चल रहे हैं मेरे बच्चे। अच्छे अच्छे चल रहे हैं, हाँ सब कुछ अच्छा है। खुशी खुशी आते हैं, खुशी खुशी आते हैं। मेरा लड़का ऐसे था, बात कम करता था, पढ़ता नहीं था, अभी ठीक पढ़ रहा है वो। एक तो उम्मीद जगी है गांव के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे भी अच्छी जगह पे जाके पढ़ाई करेंगे, कुछ बनेंगे। तो ये स्कूल की हालत जो पहले बहुत ही ज्यादा खराब थी, मैं बहुत माता रानी से ऐसी दुआ करता हूँ कि जिन्होंने भी इसका सहयोग किया है, जहाँ जिन्होंने ये बनाया है, ये एक हमारे कटरा के अंदर इतना बढ़िया स्कूल जो बना है, उनका मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। मैम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्कूल इतना प्यारा है। तो हम जब पहली बार स्कूल में आए थे तो तब ये स्कूल ऐसा बिल्कुल नहीं था, कि यहाँ पे हम देखते थे कि उस साइड से भी स्कूल की छत टूटा है, उस साइड से भी। जब बारिश का मौसम होता तो हम बैठ नहीं सकते थे, इतना पानी आता था। अच्छा। तो फिर जब अयोध्या फाउंडेशन, सुनैना मैम और उन्होंने हमारी हेल्प की, तो फिर उन्होंने हमें स्कूल अच्छे से बना के दिए और झूले लगा के दिए, तो हमें फिर बहुत खुशी हुई। और अब आपको स्कूल आने का मन भी करता है? यस मैम। आपको यूनिफॉर्म भी मिली है, अच्छा ब्रेकफास्ट भी मिलता है, लंच भी मिलता है, और एक उम्मीद जगी है कि अब हमको भी पढ़ना है, सुनैना मैम की तरह बनना है, और गरीब बच्चों के लिए अच्छा अच्छा करना है, ऐसा लगता है? ऐसी फीलिंग आती है?
और अयोध्या फाउंडेशन मैम, सुनैना मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा मतलब कि हमें इतना कुछ दिया, मैं उनका थैंक यू। आज हमारा स्कूल पूरा बनके तैयार हो गया, बल्कि तो इसीलिए आज हमारे स्कूल में ओपनिंग का फंक्शन है, बल्कि मेरे लिए तो ओपनिंग है क्योंकि इतनी खुशी की बात है कि इतना इतना अच्छा स्कूल। आपने सोचा था पहले कभी? नहीं मैम, आइडिया ही नहीं था कि जो हमारा स्कूल इतना टूटा फूटा है वो कभी मतलब कि इस स्टेज तक पहुंचेगा। मैम इस मैम की बिल्कुल आइडिया नहीं था। इसके कौन है, रीजन क्या है कि अभी स्कूल इतना अच्छा बन गया है, गवर्नमेंट स्कूल? मैम सुनैना मैम सीईओ अज्योति फाउंडेशन, उन्होंने किया है सब। तो आप उनका थैंक्स करना चाहोगे? यस मैम, मैं जितना उनका थैंक्स करूं मैम उतना कम है, फिर भी मैम मैं उनका दिल से, बड़े गहरे दिल से मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। अच्छा, तो आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है? क्या मैम अभी इतना याद नहीं क्योंकि हर रोज अलग आइटम मिलती है, इतनी सारी आइटम्स मिलती है कि अब बताना मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको दो तीन बता देती हूँ, मतलब कि कभी पास्ता, पास्ता सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा, परांठे, समोसा और भी कुछ बड़ा कुछ मिलता है। सुनैना मैम आपको मोटिवेट करते हैं? यस मैम बड़ा ज्यादा, इतना तो मतलब कि हमारे कोई फ्रेंड्स या पेरेंट्स या टीचर्स भी करते हैं जितना मतलब कि हमें सुनैना मैम ने मोटिवेट किया, और हमारे टीचर्स भी हमें बड़ा ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मैम मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्हें हमारे स्कूल को इतना अच्छा कर दिया, हमारे खेलने के लिए झूले लगाए हैं। पहले हमारे लिए सिर्फ 3 रूम थे जिसमें हम पूरी अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाते थे, पर अब हमारे स्कूल में 4 रूम है जिसमें हम अच्छे से बैठ सकते हैं और हमारे खेलने के लिए झूले भी लगाए हैं। मैम पहले काफी कम बच्चे आते थे पर अभी काफी आ रहे हैं ज्यादा। अच्छा, आज भी काफी बच्चे आए हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे आए हुए हैं। तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? अब तो आपको इतना अच्छा सा स्कूल भी मिल गया और आपको बहाना भी नहीं चलेगा, बताओ क्या? पुलिस मैन बनना चाहते हो, पुलिस ऑफिसर? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल्स को हम रीमॉडल कर सकें और उसमें सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें, उनको इंकरेजमेंट मिले, उनको सहूलियत मिले और वो आगे अच्छा सोच सकें। लेकिन सबसे जरूरी ये है, मेरी विजन जो है वो ये है कि बच्चे इंस्टेड कि ब्रांड्स टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया पर जाने से अच्छा है ये सीखें कि एजुकेशन, एनवायरनमेंट, साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी, एआई, इसमें इंटरेस्ट आए उनको। हम वैसे बच्चे रेज करना चाहते हैं जो ये चीजें आगे फ्यूचर में डिस्कस करें। हमारा ऑब्जेक्टिव और विजन और मिशन सब यही है, एक ही में कंसाइड करता है। और मेरी इच्छा रहेगी कि ये सारे बच्चों के लिए हम ऐसी सहूलतें, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। यो साहब, उनके साथ बाकी लोग जो यहाँ पे हैं, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ सुनैना जी आपका शुक्रिया करने के लिए फॉर द ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर यू क्रिएटेड फॉर दिस स्कूल। मुझे लगता है स्कूल के बच्चे बड़े लकी है कि वो इतनी खूबसूरत क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं सीईओ से यही बात कर रहा था कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शायद सम ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में भी जम्मू कश्मीर में शायद नहीं होगा, और बहुत सारे स्कूल दिल्ली में भी ऐसे नहीं होते। लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट है सीओ साहब कि इन क्लासेस की यूटिलाइजेशन बढ़िया तरीके से हो। मैं
ये इतने सालों से ये बच्चे यही इसी बरांडे में पढ़ते जा रहे हैं, या यहाँ पे टूटी हुई गीली मिट्टी के साथ और या फिर नीचे. सो दैट वाज द इंस्पायरिंग फैक्टर एक्चुअली जब हम आयोती यहाँ पे इसके अंदर इंटरवीन किया कि इन बेचारों को पढ़ने के लिए कोई तो जगह चाहिए, ये बाहर बैठकर कैसे पढ़ेंगे. ठीक है भैया से ले लेना.